Fill in the blanks. Dash is always kept on a mouse pad. Number 2. CPU is dash of a computer. 3. Dash look like a television. 4. The text printed on a paper is known as dash. Number 5. Instructions which we put into computer is called dash. इन सभी के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं वर्ड में से यहाँ से फिलअप करना है हमें. हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम. आज मैं आपके लिए हाफ ईयरली एग्जाम रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आई हूँ. सब्जेक्ट है क्लास सेकेंड कंप्यूटर्स. इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट के एंड थर्ड के सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाले हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए, उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. चलिए आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन. चलिए देखते हैं. माउस इज ऑलवेज केप्ट ऑन द माउस पैड. सेकेंड, सीपीयू इज ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. 3. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. 4. द टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी. Number 5. Instructions which we put into a computer is called input. Question number 2. Write true, T for true and F for false. इस तरह के questions की तैयारी आप second class computers में बच्चों को करवा सकते हैं. चलिए वीडियो को पॉज करके आप बच्चों को पहले सॉल्व करवाएं इस वर्कशीट को, उसके बाद आप देखें कि बच्चों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है. नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन फिर हम देखेंगे. चलिए ये क्वेश्चंस आप पॉज करके रख लें. चलिए इसके आंसर देखते हैं. अ कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स. ट्रू. सेकेंड, अ कंप्यूटर नीड्स नो इंस्ट्रक्शन टू वर्क. फॉर. 3. कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन अ मैन. ट्रू. नंबर 4. सीपीयू स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट. फॉल्स. नंबर 5. स्कैनर इज यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. टिक द करेक्ट आंसर. कंप्यूटर प्रोसेस कहाँ होता है? कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर या माउस. ये हमारा होता है सीपीयू. नंबर 2. Which of the following is used to record voice in a computer? कंप्यूटर में voice कहाँ record होता है? Voice को record करने के लिए हम कौन से instrument का use करते हैं? A. Scanner. B. Keyboard. C. Mouse. D. Microphone. Number D. Microphone. Number 3. Which of the following is known as a brain of computer? A. Printer. B. Keyboard. C. CPU. D. DVD. Correct answer है, known as brain of computer is CPU. Number 4. Instructions and data are called A. Input. B. Processing. C. Output. D. None of these. Instruction and data are called processing. Number 5. A computer is used to take out money from hospital, offices, ATM, school. Correct answer is option C, ATM. Next option number 6. The numbers of key is keyboard is
209, 115, 105, 104. Correct answer is option D, 104. Question number B. Answer the following questions is one word. The name of device used to enter data in computer. Computers में हम data किस option से use करेंगे? Computer में हम data keyboard से use करते हैं. तो correct answer हो गया option keyboard. यहाँ पर वन वर्ड में बच्चों को क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. नेम द पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस इज अ माउस. व्हाट डज VDU स्टैंड फॉर? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर which part of a computer process in data? CPU. Computer में process कहाँ पे होता है data का? तो correct answer है CPU. Name the computer that can be kept even in lab. Lab में हम lab. यहाँ पर है even lab. मीन्स लैपटॉप. कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम लैब में रखकर काम करते हैं? लैब मीन्स गोद. तो करेक्ट आंसर हो जाता है लैपटॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड. कंप्यूटर पर वर्क करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रिजल्ट कहते हैं. या फिर इसे हम आउटपुट भी बोलते हैं. नेक्स्ट है नंबर 7. हाउ मेनी कीज आर फाउंड ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में कितने की होते हैं? 104 कीज. नेम द डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड. कौन से डिवाइस का यूज हम साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने में यूज करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाता है माइक्रोफोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द जंबल वर्ड. ये जंबल वर्ड लिखे गए हैं. वर्ड को आगे पीछे करके इसे हमें सही करके लिखना है. ये हो जाता है कीबोर्ड. नेक्स्ट मॉनिटर. थर्ड नंबर हो गया मशीन एंड फोर्थ प्रिंटर. तो ये इसके आंसर हो गए जो आप देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके इसकी स्पेलिंग बच्चों को लर्न करवानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाता है सर्कल द आइटम विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स. इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसे हमें सर्कल करना है. बेड बुक सीपीयू. सीपीयू जो है कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. डॉग कीबोर्ड टॉय. इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है? कीबोर्ड. करेक्ट आंसर हो गया कीबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. माउस हर्ट स्कूल बैग. इसमें से माउस ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है इसे हम माउस को सर्कल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ऑरेंज कैमरा मॉनिटर. इसमें से मॉनिटर ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो इसे हमें सर्कल बनाना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर ए, मैच द फॉलोइंग, इसे हमें मैच करना है। द रिजर्वेशन ऑफ टिकट, टिकट का रिजर्वेशन हम कहाँ करवाते हैं? ए बैंक, बी रेलवे, सी स्कूल, डी ईमेल, फोर हॉस्पिटल। तो रिजर्वेशन हम रेलवे में कराते हैं, तो ये हो गया हमारा रिजर्वेशन इज रेलवे। द फॉर मेंटेन अकाउंट इन बैंक, बैंक में अकाउंट्स को हम कहाँ मेंटेन करते हैं? बैंक। फॉर सेंडिंग लेटर, लेटर हम कहाँ सेंड करते हैं? ईमेल। टू मेंटेन रिकॉर्ड टू द पेशेंट, पेशेंट कहाँ पाए जाते हैं? हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। एज ए टीचर एड्स, टीचर एड्स कहाँ रहते हैं? स्कूल। सो करेक्ट आंसर इज स्कूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसे फाइंड करके हमें यहाँ पर इसके इमेज पहचानने हैं और फिर इसके हमें नेम यहाँ पर लिखने हैं। पहला है आपका स्पीकर, यहाँ पे स्पेलिंग हो जाती है SPEAKER, स्पीकर। नेक्स्ट CD, जिसे कि हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। दिस इज पेन ड्राइव। दिस इज स्कैनर, SCANER, स्कैनर। एंड लास्ट मॉनिटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए इसके लास्ट वीडियो में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज, इसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स दिखाए हैं। फिर टिक द करेक्ट आंसर हो गए आपके, नेक्स्ट आपके हो गए टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, करेक्ट जंबल वर्ड, सर्कल द आइटम विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड मैच द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट नेम्स। इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं। थैंक यू।